और अहम खबर देंगे। हुकूमत ने ज़मान पाक के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर एरिया में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। तमाम इंटरनेट कंपनीज को हिदायत जारी कर दी गई हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने फौरी तौर पर इंटरनेट की मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी है। तो तहरीके इंसाफ के हवाले से आपको ये बताते चलें कि ज़मान पाक का ये एरिया है और उसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर एरिया में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। तमाम इंटरनेट कंपनीज को हिदायत जारी कर दी गई हैं। टेलीकॉम कंपनीज ने फौरी तौर पर इंटरनेट की मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा खसूसी नसीर वाहगा से। जी नसीर वाहगा, क्या बताया जा रहा है, क्यों इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई? हुकूमत ने अचानक तकरीबन 1 घंटा पहले जमान पार्क के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर एरिया के रेडियस में फौरी तौर पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दिया है और तमाम जो कंपनियां हैं इंटरनेट की, यानी जो टेलीकॉम कंपनियां, उनको फौरी हिदायत दी हैं कि फौरी तौर पर यह बंद कर दिया जाए ता हुक्मे सानी, जब तक अगला हुक्म नहीं आएगा ये इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। इस हवाले से जब मेरी बात हुई कानून नाफिज़ करने वाले चंद इदारों से तो उन्होंने कोई आगे से बेहतर जवाब नहीं दिया, जिससे ये लग रहा है कि शायद कोई और जो पुलिस ऑपरेशन है वो जमान पार्क में शुरू होने वाला है। और जब भी इंटरनेट बंद होता है या जब भी ऑपरेशन होता है, ये एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल है, लाजमो मलजूम है, यानी ऑपरेशन के लिए ये पहले इंटरनेट बंद होता है और इंटरनेट जब बंद होता है तो ये मुतवक्को होता है कि किसी न किसी तरह कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। लिहाजा इस वक्त भी पूरे एरिए में 5 किलोमीटर जो कि बहुत बड़ा एरिया है वहां इंटरनेट सर्विस बंद है। और अभी मेरी बात हुई है एक इंटरनेट सर्विस कंपनी से तो उन्होंने कहा भी कि हमें फौरी तौर पर जबानी पहले कहा गया, फिर हमें बाकायदा तहरीरी तौर पर लिख के भेजा गया है कि जी ये इंटरनेट सर्विस जो है फौरी तौर पर बंद कर दिया। अच्छा नसीर वागा, ये भी जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त सिक्योरिटी की वहां पर सूरत हाल है, इस हवाले से आपने कुछ पता किया, आपको पता चला हो कि ओवरऑल पुलिस की जो वहां पे मोबिलाइजेशन है वो क्या है और किस तरह से इस तमाम सूरत हाल को टैकल किया जा रहा है? ये मोबिलाइजेशन इस वक्त वहां हसबे मामूल है, जो आमतौर पर वहां चंद पुलिस के लोग डिप्यूट होते हैं या पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो उस इलाके में उसी तरह गश्त कर रही हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि शायद बैक एंड पे या पीछे कोई ऐसे ऑपरेशन की तैयारी हो रही है जिसकी वजह से इंटरनेट सर्विस बंद की गई है। अदरवाइज जहां इंटरनेट सर्विस बंद करने की कोई वजह नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीर वाका, आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया।